ने मोर्चेबंदी कर रखी है। विधायक सरफराज अहमद, रामदास सोरेन और सांसद यह हांसदा लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। जेएमएम के नेता राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। जेएमएम नेताओं से बात के हमारे सहयोगी राकेश ने। में चुनाव का शोर अब तेज हो चुका है और इसी शोर के साथ आरोप प्रत्यारोप भी परवान चढ़ रहा है। हमारे साथ कई लोग हैं, सरफराज अहमद विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के, रामदास सोरेन विधायक हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और राजमहल से झारखंड मुक्ति मोर्चा के सांसद हैं विजय हांसदा। हम सीधे विजय हांसदा जी से जुड़ते हैं। विजय जी, आप तो लगातार कैंप किए हुए हैं, यहाँ भी देख रहे हैं, मसलिया भी देख रहे हैं, क्या कह रहा है दुमका इस बार? बहुत ही अच्छा माहौल है और इसीलिए कोई कहीं किसी तरह का किंतु और परंतु नहीं है। जनता ये जान रही है कि ये उपचुनाव है। बीजेपी की तरफ से एक चीज बार बार कहा जा रहा है कि जनादेश का अपमान किया मुख्यमंत्री ने दुमका सीट छोड़ के। दरअसल दुमका उपराजधानी है, लिहाजा मुख्यमंत्री को दुमका सीट नहीं छोड़ना चाहिए। एक सीट को छोड़ना पड़ता है तो एक सीट को उन्होंने छोड़ा। और दूसरी बात है कि बसंत सोरेन जी कोई यहाँ के लिए नए नहीं है। वो एज ए कहिए पीछे रह करके भी लगातार इस क्षेत्र में कार्य करते रहे हैं और आज जनता उनको मौका देने के लिए तैयार है। सरफराज जी भी है, सरफराज जी लगातार बीजेपी परिवारवाद का मसला उठा रही है। बाबूलाल मरांडी यहाँ कैंप किए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सोरेन परिवार ही दुमका में बार बार क्यों? ऐसा है, बाबूलाल जी भी तो दुमका को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं, और गुरु जी भी किए हैं, हेमंत बाबू भी कर रहे हैं और अब बसंत बाबू आ रहे हैं। बाबूलाल जी के परिवार से कोई पॉलिटिक्स में नहीं है क्या? मैं तो जानता हूँ कि हैं, उनके खुद के अनुज हैं। राष्ट्रीय स्तर पर मुख्यमंत्री की पहचान बनी, क्या उस चीज़ को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखिए, इस कोरोना संक्रमण को बचाने के लिए या आप देख सकते हैं प्रवासी मजदूर जो प्रदेश में फंसे हुए थे उसको लाने के लिए जो हमारी सरकार और हेमंत माननीय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की जो भूमिका रहा, पूरा देश ने पूरा विश्व देख रही है। ये सरकार को मजबूती के लिए, राज्य के मुख्यमंत्री को और सशक्त कर बनाने के लिए हम 5 साल को सरकार हेमंत सोरेन की सरकार मजबूत ही चले। कोयला दे रहे हैं, बिजली ले रहे हैं, तो ये तो बकाया, ये तो प्रोसेस है, तो फिर इतनी हाई तौबा डीवीसी ने अगर पैसे ले लिए तो फिर क्यों? आपका जाकर के यही 5 साल पूर्व भी बीजेपी की सरकार चल रही थी, तब इस तरह की जो है साजिशें नहीं हो रही थी। अभी लगातार चाहे आपका जाकर के आप डीवीसी का मसला देख लीजिए, आरबीआई द्वारा जो हमारा पैसा काटने का मसला देख लीजिए, इस विकट परिस्थिति में वो भी झारखंडी है, उन्हें झारखंड राज्य के हित के लिए कार्य करना चाहिए था या आगे बढ़ करके उसमें सहयोग करना चाहिए था। लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि सेंट्रल सरकार जो है यहाँ की मजबूत सरकार को कार्य करने देना नहीं चाहती है, लेकिन उनकी मंशा को वो उनकी मंशा बिल्कुल कभी सफल नहीं हो पाएगी। बेरमो में राजेंद्र बाबू के बेटे लड़ रहे हैं, जय मंगल जी, मैं हम लोग उनको अनुभव बाबू कहते हैं क्योंकि आप तो पुराने कांग्रेसी रहे हैं इसीलिए। हाँ जी जी, और राजेंद्र बाबू की वो सीट रही है, बराबर वही जीते हैं, तो निश्चित रूप से अनूप उनके साथ साथ रहा है, उनके सारे कामों को समझा है, लोगों ने एक पहचान है अनूप की। दोनों सीट हम लोग बहुत अच्छे ढंग से निकले, कॉन्फिडेंट। सारे नेताओं अपने अपने तरीके से बात रख रहे हैं और इनको लग रहा है कि जिस तरीके से राज्य सरकार ने इस कोरोना संकट में काम किया है उसका पूरा फल जो है इस बाई इलेक्शन में राज्य सरकार को और उनके जो प्रत्याशी हैं यूपीए गठबंधन को, उनको मिलने जा रहा है। कैमरामैन सुशील के साथ राकेश कुमार, न्यूज़ 11 दुमका।